आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ त्योहार की बहुत ही स्पेशल चकली। और इसका नाम है चावल मूंग दाल चकली। और ये इंस्टेंट चकली बनेगी एकदम क्रिस्पी, करारी, क्रंची, बाजार से भी बढ़िया। ना कोई आपको इसमें भिगोने की जरूरत है, ना ही कोई स्टीम लेने की। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बिना चकली मशीन के भी आप चकली कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई तरह की इंस्टेंट हेल्दी चकली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा। मेजरमेंट के लिए आप क्या करें, घर की कोई भी या तो कटोरी चुन लें या कोई कप, और उसी के अनुसार सारा मेजरमेंट ले लें। तो ये मैंने 1 कप ले लिया, इसी से 1 कप चावल का आटा लिया है। अब जो दूसरी चीज जो इस चकली को बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना देगी वो है 1/4 कप मूंग दाल। यहाँ मैंने 1/4 कप मूंग दाल ली है, चम्मच से बोलूं तो 4 बड़े चम्मच के करीब ये मैंने मूंग दाल ली है। सिंपल रॉ यानी कच्ची मूंग दाल है, आपको इसको ना भिगोना है ना ही कुछ फ्राई वगैरह करना है। अब मूंग दाल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक छोटा सा स्टेप। सिंपल, आप गैस पर एक कढ़ाई या पैन रखें। दाल को हमें करना है ड्राई रोस्ट, जिससे कि वो बढ़िया से उसका मॉइस्चर एकदम खत्म हो जाए, एक बढ़िया उसमें टेस्ट आ जाए, ज्यादा दिन तक हमारी चकली चल जाए। अब ड्राई रोस्ट हम इसे सिर्फ कुछ मिनट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें बढ़िया सी खुशबू आ जाए। अगर आप उड़द दाल का फ्लेवर पसंद करें तो बिल्कुल इसी प्रकार आप मूंग दाल की जगह 4 बड़े चम्मच उड़द दाल ले लें। परफेक्ट। तो बस इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर दें, उसको हल्का सा हम ठंडा होने देंगे। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार, और जब आपकी दाल ठंडी हो जाए तो हम दाल को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसको अब एकदम बढ़िया से पीस कर इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और ये लीजिए, एकदम फाइन पाउडर मूंग दाल का तैयार हो गया है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए फटाफट तैयार करते हैं चकली का आटा। अब आप लीजिए 1 बड़ा बर्तन और उसमें हम लेंगे 1 कप चावल का आटा, साथ ही इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मूंग दाल का पाउडर। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन, जिससे जब हम चकली बनाए तो वो ब्रेक ना हो, उसे प्रॉपर बाइंडिंग मिले। 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन हाथ पर इस तरह लेकर थोड़ा सा मसल कर डालें, इससे अच्छी खुशबू आएगी। 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर। मैं थोड़ा सा चटपटा सा बना रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल यानी इसमें सीड्स, जैसा आप मार्केट से चकली लेते हैं तो उसमें होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और चकली को एकदम खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें अब हम डालेंगे गरम घी यानी हॉट घी। तो ये मैंने लिया है इस चम्मच से 2 बड़े चम्मच। घी को ऐसे ना डालें, घी को गरम कर लें फिर डालें, क्योंकि चावल का आटा लिया है ना, उसमें गरम घी डलता है तो बहुत ही बढ़िया उससे फिर चकली बनती है। चाहे तो आप इसकी जगह 2 बड़े चम्मच बटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी यूज किया जा सकता है। हाथ से आप बढ़िया से कीजिए सभी चीजों को मिक्स। जो हमने इसमें अभी घी डाला ना, इसी से फिर हमारी जो चकली है वो एकदम क्रिस्पी, क्रंची और खस्ता बनेंगी। और घी को इस तरह से फिंगर के बीच में इस तरह रखिए और मसल मसल के अच्छे से पूरे मिक्स में हम कोट कर देंगे, जिससे कि चकली एकदम बराबर बढ़िया बने। और अभी आप देख सकते हैं एकदम क्रम्बली सा आपको आटा लग रहा होगा, ये देखिए परफेक्ट है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अच्छे कलर के लिए 2 पिंच हल्दी। और अब हम लगाएंगे चकली का आटा। बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हमें आटा लगाना है, तो उसके लिए मैंने यह लिया है एकदम गर्म पानी, हॉट वाटर चाहिए, जिससे कि हमारा जो आटा है चकली का परफेक्ट तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें, पानी बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए चम्मच से आप इसे मिक्स करें और फिर जितनी जरूरत हो उसी अनुसार पानी ऐड करें। अब आप हाथ से इसका डो तैयार करें, थोड़ा पानी और डालेंगे, पानी गर्म है तो देख कर करें। और ये देखिए, मैंने गर्म पानी से पूरे आटे को गूथ लिया है और बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट, आप देख रहे हैं ना, एकदम सॉफ्ट स्मूथ डो हमें तैयार करना है। और इतना डो लगाने में लगभग 3/4 कप के करीब गर्म पानी लगा है, यानी 1 कप से थोड़ा कम। चकली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है चकली मेकर, इस तरीके का जो बाजार में मुरक्कू मेकर मिलता है, इसे मुरक्कू मेकर भी बोलते हैं, सेब मेकर भी बोलते हैं, चकली मेकर भी बोला जाता है, हर जगह बहुत ही इजीली मिल जाता है। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर ये ना हो तो वो भी मैं आपको 2 तरीके और बता दूंगी किस तरीके से आप बिना मशीन के चकली बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर को सबसे पहले हम करेंगे ग्रीस, जिससे कि जब आप इसमें आटा डालें तो वो बिल्कुल चिपके नहीं। और चकली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है
ये स्टार डिस्क, बहुत तरीके के मोल्ड आते हैं, तो ये स्टार वाला लेंगे हम। तो ये स्टार मोल्ड हम इस तरह से लगा देंगे। अब इसमें से आप एक हिस्सा लीजिए और उसको इस तरह रोल कीजिए सिलेंडर की शेप में, और चकली मेकर के सिलेंडर में हम इस तरह से इसको डाल देंगे। जरूरी पॉइंट, आप इसे थोड़ा ऊपर तक ही भरिएगा, जैसे कि जब आप प्रेस करते हैं तो आसानी होती है। तो अभी काफी खाली है तो मैं थोड़ा सा इसमें और डाल रही हूँ। इस तरह से ऊपर तक इसे भरे और ऊपर से इसकी फिट कर देंगे हम पिस्टन। अब आप ले एक बटर पेपर आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा, स्टेशनरी शॉप वगैरह पर। नहीं भी हो तो अगर आपके पास घर में स्टील की प्लेट या इस तरीके की जो मेलामाइन वाली प्लेट्स होती है, इन पर भी बहुत ही इजीली चकली तैयार हो जाती है। कुछ बूंद डालेंगे ऑयल की और इसको भी कर लेंगे ग्रीस, और बटर पेपर पर हम बिल्कुल इस तरह धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसको चकली की शेप में राउंड घुमाते जाएंगे। बीच में रोकेंगे नहीं, बस इस तरह से थोड़ा सा ऊपर हाथ खींचते हुए इसको इस तरह गोल गोल घुमाते जाएं। एक दो बार की चकली के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इजीली इसको बना पाएंगे। जितनी बड़ी छोटी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसको बना लें। और इस तरह से हम इसको यहाँ ब्रेक कर देंगे और ये वाला पोर्शन इसके साथ स्टिक कर देंगे, जिससे फ्राइंग के वक्त ये खुले नहीं, और इस पोर्शन को यहाँ प्रेस कर देंगे। है ना आसान? मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ, बहुत ही आसान है इसको बनाना, बस इस तरह से आप हाथ घुमाते जाएं। और इसी तरह से हम प्लेट पर भी बना सकते हैं। आप प्लेट पर थोड़ा सा ग्रीस कर लें और बिल्कुल इस प्रकार आप बना लें। और अगर आपसे इस तरह से चकली ना बन पाए तो आप इस तरह से लंबे लंबे मुरक्कू की जैसे बना सकते हैं, सिंपल लंबी स्टिक। तो मार्केट में देखते हैं ना, इस तरह के भी मिलते हैं, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। और यदि आपके पास चकली मेकर नहीं है तो बस आप इस तरह से छोटी सी लोई लें और इसको इस तरह एकदम पतला रोल जैसा बना लें, और इस तरह पतला बना करके धीरे धीरे आप बिल्कुल जैसे जलेबी की तरह आप इसे राउंड राउंड करते जाएं। और इस तरह से प्रेस करते हुए आप हाथ से भी बना सकते हैं चकली की तरह, और आप चाहें तो इसके छोटे छोटे रिंग्स भी बना सकते हैं। दो भाग में कट कर लें, इसकी गोल रिंग आप तैयार कर सकते हैं। अब आप गैस पर चढ़ाएं कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म होने देंगे। ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है, एक छोटा टुकड़ा हम डो का डालकर देखेंगे। और ये देखिए, इसमें बबल्स आए और ये कुछ क्षण बाद ऊपर आया, बिल्कुल ऐसा गर्म हमें तेल चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डाला और एकदम से वो लाल हो गए या जल गए। तो चकली को फ्राई करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें, कुछ क्षण के बाद चकली हमारी सेट हो जाएंगी, तो बस आप हाथ से ही यूं ही उठा लेंगे और इस तरह से एक चमचे पर रखकर आप धीरे से चकली को ऑयल में डाल दें। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल आप लो मीडियम कर दें, चकली को धीरे धीरे फ्राई होने दें। अभी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे और इसी तरह हम सारी चकली फ्राई करेंगे। और जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, काफी तेज इसमें बबल्स उठ रहे हैं। जैसे जैसे चकली हमारी सिकती जाएगी यानी फ्राई होती जाएगी, धीरे धीरे ये बबल्स डाउन हो जाएंगे। तो इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी चकली फ्राई होकर तैयार है। तो जब चकली थोड़ा ऊपर आ जाए, हल्की सी फर्म हो जाए, तो एक स्पून या फोर्क से आप धीरे से चकली को फ्लिप कर दें। परफेक्ट। चकली एक ऐसी स्नैक है जो ज्यादातर इंडिया की सभी स्टेट्स में त्योहार पर बनता ही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बबल्स पूरे डाउन हो गए हैं, तो बस इस स्टेज पर हम चकली को निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी चकली तैयार हुई है, वो भी राइस मूंग दाल वाली। ना कोई आपको मेहनत करनी पड़ी, ना कोई भाप लेने का चक्कर, ना कोई रात को भिगोने का। सिंपल तरीके से आप बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, अभी तो जब ये ठंडी हो जाएंगी तब मैं आपको इसका क्रिस्प दिखाऊंगी कि ये कितनी करारी बनी है। और ये मैंने प्लेट पर लगा ली एक छलनी, और मैं छलनी पर इसको निकाल रही हूँ। जो भी थोड़ा बहुत ऑयल होगा वो नीचे प्लेट पर निकल जाएगा। कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। और इसी तरह हम सेकंड बैच की फ्राई करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं छुएंगे। जब हल्की फर्म हो जाएंगी तब हम इसको फ्लिप करेंगे। और जब आपको लगे कि चकली ऊपर आ गई है, थोड़े बबल्स भी रिड्यूस हो गए हैं, हल्के से एक फोक या स्पून से उसे पलट दें। और आप देख सकते हैं बबल्स बिल्कुल डाउन हो गए और हमारी चकली भी अंदर चली गई है। इसका मतलब ये बढ़िया सिक गई है। वाह, ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, और सिर्फ दिख नहीं रही है, खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। खास बात चकली की ये भी है, इस तरह बना करके जब ये ठंडी हो जाए, आप एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, पूरे महीने भी खराब नहीं होंगी। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी दिवाली स्पेशल इंस्टेंट क्रिस्पी क्रंची खस्ता चकली, और वो भी सुपर सुपर टेस्ट के साथ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये चकली एकदम परफेक्ट बनी है। और ये देखिए इसका क्रंच, सारी ही चकली हमारी परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची और खस्ता बनी है।
ऐसे ही बनेंगी, आपकी भी जरूर बनाइए, खाकर मजा आ जाएगा। और मैं आपको खाकर भी दिखा देती हूँ। सुपर मुर्कू चकली बिना मशीन की रिंग्स सब मैंने बना लिया था, सभी बढ़िया लग रहे हैं। जैसे चाहे आप वैसे बनाएं, तो रिंग्स भी हमारी बहुत बढ़िया बनी है। ये देखिए, है ना एकदम खस्ता, ये देखिए अंदर तक सिकी हुई। और हमारी प्यारी सी स्पाइरल चकली भी, सच मानिए बहुत ही बढ़िया आपको ये लगेगी। रोस्टेड मूंग दाल का फ्लेवर, मजा आ जाएगा खाकर आपको। ये बेसन की सिंपल चकली जो बनती है उससे कहीं ज्यादा पसंद आएंगी, हेल्दी है, टेस्टी है। इससे पहले भी मैं आपके साथ चकली की इंस्टेंट रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो मैंने चावल के आटे और बेसन से बनाई थी, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।